नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक रिकॉर्ड हिंदी में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है और बहुत से यूजर के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही औसम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप अपने मोबाइल का IMS रजिस्ट्रेशन स्टेटस, IP एड्रेस, मैक एड्रेस, वाईफाई मैक एड्रेस, ब्लूटूथ एड्रेस, ये सब कैसे चेंज कर सकते हो। और बस जो मैंने ये जो आपको इस IP एड्रेस सब जो एड्रेस मैंने बताया, बस यही नहीं, एक आपके मोबाइल का जो है ID की अगर बात करें तो आपका जो है 20-25 ID होता है आपके मोबाइल का, और इस ID के थ्रू आपको जो पर्सन आपको ट्रेस करना चाहेगा वो आपको पक्का ट्रेस कर सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपको पकड़ ना सके, कोई आपको जो है ट्रेस ना कर सके रियल लोकेशन में, तो आज इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक। मैं यहाँ पे पूरी प्रोसेस को बताऊँगा कि किसी भी डिवाइस का फुल आइडेंटिटी, फुल डिवाइस ID कैसे चेंज कर सकते हो, और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये फुल पूरे अपने डिवाइस का ID को आप चेंज कर पाओगे, जो 20-25 ID होता है वो सभी, मतलब कि आपको कोई भी यूजर, कोई भी आपका जो है एक्सपर्ट भी है तो वो भी शायद ट्रेस करने में शायद मतलब कि मिस कर जाए, क्योंकि यहाँ पर आप अपने डिवाइस का पूरा ID आप चेंज करोगे। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगा जिसका कि नाम है चेंजर। पूरा आपको एंड्रॉयड, आपके एंड्रॉयड का जो एड्रेस होता है वो पूरा आपको चेंज कर देगा ये, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने मोबाइल में एक्सपोज इंस्टॉलर चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने मोबाइल में पहले से ही एक्सपोज इंस्टॉलर को इंस्टॉल करके रखा है, तो आपको इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले चेंजर पे आपको टिक करना पड़ेगा, और इसके बाद अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर दें, एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा, तब ये जो है आईडी चेंजर, आपका डिवाइस आईडी चेंजर पूरी तरह से एक्टिवेट होगा। उसके बाद आप जो है, मैंने अभी रीस्टार्ट कर लिया अपने डिवाइस को, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इजली तरह से यहाँ पे आपको मिल जाती है अपने मोबाइल का IMEI नंबर तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन यहाँ पे एंड्रॉयड ID आपको मिलता है, वाईफाई मैक आपको मिलता है, सीरियल नंबर मिलता है, वाईफाई SSD मिलता है, और BSS ID वगैरह ये सब देख सकते हो, जो भी ID आपको मिलता है यहाँ पे सभी को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि IMEI नंबर आपको पता होगा कि आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते हैं, और आपको पता होगा कोई भी मोबाइल जो है ट्रेस होता है, कोई चोरी होती है या कुछ भी होती है तो आपको IMEI नंबर पे ही ट्रेस करता है। तो ऐसे में अगर आप बचना चाहते हैं इन सब से, अगर आप चाहते हैं अपने डिवाइस का पूरी तरह से आईडी चेंज करना ताकि आपको कोई ट्रेस ना कर सके, चाहे वो चोरी का फ़ोन हो या चाहे जैसा भी फ़ोन हो, वो आप उसे बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो एक नए आईडी में। मतलब इस आईडी चेंजर का मतलब ही यही हो गया कि अपने मोबाइल का पूरा आइडेंटिटी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने रैंडम पे क्लिक किया, तो आप रैंडम पे देख सकते हो तो यहाँ पे नंबर जो है जनरेट होती है, और ये जो है ये सब सारे जो आईडी जनरेट होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये किसी से भी मैच नहीं करता है। तो इसका फ़ायदा यही है कि अपने डिवाइस को पूरी तरह से आप चेंज कर सकते हो, उसके बाद आपको कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया, और चेंज करने के बाद आपको कॉर्नर में आपको सेव करने का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद सेव करके रीस्टार्ट जब अपने मोबाइल को आप करोगे तो आपको आपका पूरा आईडी जो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना भाई, और क्या आप इसे यूज करेंगे ये भी बताना भाई। तो आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि भाई मैं इस तरह की सीक्रेट टिप्स ट्रिक की वीडियोस, हैकिंग वीडियोस मैं बनाते रहता हूं और अपडेटिंग वाली। तो इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े हैं ताकि आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, मिलते हैं किसी और वीडियो में।